नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर इशु और आप देख रहे हैं स्टे स्वस्थ। कोलेस्ट्रॉल ये शब्द हम जब भी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेजेस जैसी चीजें आने लगती हैं। तो क्या कोलेस्ट्रॉल इतना खराब है? कोलेस्ट्रॉल असल में एक ऐसा हीरो है जिसे विलन की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक लिपोप्रोटीन है जो कि लीवर खुद आपके शरीर में बनाता है और ये आपके शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि विटामिन डी बनाना। जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलती हैं तो विटामिन डी बनता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल सेक्स हार्मोन्स भी बनाता है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरॉन या फिर कॉर्टिसोन जो कि एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करता है। अच्छी हार्मोनल हेल्थ पाने के लिए आपके पास गुड कोलेस्ट्रॉल का सफिशिएंट स्टोर होना चाहिए। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल सेल्स की मेम्ब्रेन बनाता है और सेल्स का रिपेयर करवाता है। कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन ऑफ बाइल एसिड्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और जब आपके शरीर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब कोलेस्ट्रॉल ही एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपको जरूरत के टाइम पर एनर्जी देता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल इतने इम्पोर्टेंट फंक्शंस आपकी बॉडी में कर रहा है तो वो विलन कैसे हो सकता है? विलन तो कोई और ही है और वो है आपका बैड लाइफस्टाइल। बैड लाइफस्टाइल के कारण आपके ब्लड में गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस बिगड़ जाता है और HDL जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं कम होने लगता है, जबकि LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL और ट्राइग्लिसराइड्स जिन्हें बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है वो बढ़ने लगते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट के लिए एक खतरा है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की है तो आपके लिए अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। यही नहीं, एक हेल्दी इंडिविजुअल को भी साल में कम से कम एक बार अपना रेगुलर ब्लड चेकअप जरूर करवाना चाहिए जिसमें सारे हेल्थ पैरामीटर्स चेक हो। ब्लड रिपोर्ट्स में अगर आपके लिपिड प्रोफाइल में HDL या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 50 से ज्यादा है या 50 से ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और ये आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा LDL या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल 100 से नीचे होना चाहिए। VLDL या वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के लेवल 25 से कम होने चाहिए और ट्राइग्लिसराइड्स जो कि पूरी तरह से फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका लेवल 150 से नीचे होना चाहिए। VLDL, LDL और ट्राइग्लिसराइड्स तीनों मिलकर बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना अच्छी खबर नहीं है क्योंकि ये हार्ट रिस्क इंपोज करते हैं। आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल लेस देन 200 होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि हम वो क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल या HDL इंक्रीज हो और हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल LDL या ट्राइग्लिसराइड्स डिक्रीज हो। इसमें सबसे पहला है चेक फॉर योर विटामिन D3 लेवल्स। अगर आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी है तो भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई रह सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में सिर्फ विटामिन D3 को फिक्स करने से ही उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डाउन हो जाते हैं। तो ध्यान रखें कि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी आपके शरीर में बिल्कुल ना हो। सेकेंड है इंक्लूड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अपनी डाइट में गुड फैट्स का अमाउंट इंक्रीज करें जो कि आपको डेयरी, एग योक, नट्स जैसे आमंड्स, कैश्यूज, वॉलनट्स, सीड्स जैसे कि फ्लेक्स सीड्स, घी, होममेड बटर और एवोकाडो से मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो हफ्ते में 1 या 2 बार फैटी फिश कंज्यूम कर सकते हैं या फिर आप फिश ऑयल कैप्सूल्स भी कंज्यूम कर सकते हैं। उसी तरह से वेजिटेरियंस के लिए फ्लेक्स सीड ऑयल कैप्सूल्स होते हैं, लेकिन बेस्ट सोर्स है नेचुरल फूड। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कट डाउन ऑन बैड फैट्स। बैड फैट्स में आता है आपका प्रोसेस्ड, पैकेज्ड और ट्रांस फैट। एग्जाम्पल्स ब्रेड, पेस्ट्रीज, रेडी टू ईट मील्स, चिप्स, बिस्किट, नमकीन्स, एनी शुगरी ड्रिंक, स्पेशली योर कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, कैंडीज, ये सब आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पैकेट्स में मेंशन होता है कि ट्रांस फैट 0 है, लेकिन अगर आप उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करें तो वहां पर हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल या हाइड्रोजनेटेड किसी भी ऑयल का कुछ परसेंटेज मेंशन होता है। अगर ऐसा है तो उसे कंज्यूम ना करें। इसके अलावा जंक, फ्राइड और फ्रोजन फूड आइटम्स को भी बिल्कुल ना लें। नेक्स्ट लाइफस्टाइल टिप है, अपने रिफाइंड ऑयल को आज ही चेंज करें और उसकी जगह कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स जैसे कि ग्राउंडनट, सेसमे, कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल जैसे ऑयल्स का यूज करें। इसके अलावा कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल भी गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाते हैं, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान जरूर रखें। नेक्स्ट लाइफस्टाइल टिप है, लोअर डाउन योर कार्बोहाइड्रेट इंटेक। अपने खाने में रोटी और चावल को कम करें, उसकी जगह सब्जी और दाल को बढ़ाएं। अगर आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो आपके लिए अपने इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि हाई इंसुलिन लेवल्स हाई कोलेस्ट्रॉल की तरफ लेकर जाते हैं। इसीलिए अपने इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल में रखें। अपने खाने को बहुत धीरे धीरे खाएं और अच्छे से च्यू करके खाएं, ताकि आपके इंसुलिन लेवल्स एकदम से शूट ना करें। नेक्स्ट लाइफस्टाइल चेंज है, इंक्रीज योर फाइबर इनटेक। अपने खाने में सैलेड्स, वेजिटेबल्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करें, फ्रूट्स को इंक्लूड करें, लेकिन फ्रूट्स जरूरत से ज्यादा ना खाएं। एक दिन में 1 या 2 फ्रूट ही खाएं। इसके अलावा फर्मेंटेड फूड का इंटेक इंक्रीज करें, जैसे इडली, डोसा, दही, छाछ, लस्सी या आपके रीजन में बनने वाली कोई भी फर्मेंटेड फूड आइटम। व्हाइट शुगर के इंटेक के साथ साथ अल्कोहल और स्मोकिंग को भी बंद कर दें और व्हाइट शुगर की जगह जैगरी का इस्तेमाल करें। अपनी स्लीप पर ध्यान दें। 6 से 8 घंटे की गहरी नींद मिलना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और आखिरी और सबसे जरूरी चीज, जो कि आपके HDL को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है एक्सरसाइज। योगा, प्राणायाम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपने लाइफस्टाइल का एक जरूरी पार्ट बना लें। हफ्ते में कम से कम 5 दिन किसी भी तरह की एक्सरसाइज करें, ताकि HDL लेवल्स बूस्ट होंगे। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कोलेस्ट्रॉल कटर ड्रिंक, जिसको अगर आप सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं तो आपके HDL के लेवल्स बढ़ेंगे और आपके ट्राइग्लिसराइड्स नीचे चले जाएंगे। कटर ड्रिंक बनाने के लिए आपको चाहिए 1 टेबलस्पून मेथी या फेनुग्रीक सीड्स, 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी, 4 से 5 काली मिर्च, 4 साबुत लौंग, अदरक और लहसुन, एक आधा कटा हुआ नींबू और हनी या शहद। एक पैन में 1 ग्लास पानी गरम करने के लिए डालें। अब उसमें मेथी, जीरा और हल्दी डाल दें। गार्लिक को छोटे पीसेस में कट कर लें ताकि एलिसिन कंपाउंड एक्टिवेट हो सके। अब लौंग, अदरक, काली मिर्च और लहसुन को हल्के हाथों से थोड़ा सा कूट लें। सभी इंग्रेडिएंट्स को पानी में डाल दें और पानी को उबलने दें। पानी को ढक लें और आधा होने का इंतजार करें। जब पानी आधा हो जाए तो गैस बंद कर दें और पानी के गुनगुने होने का वेट करें। अब ड्रिंक को छन्नी से छान लें और एक आधा कटा हुआ नींबू का रस ऐड करें। और अब 1 टीस्पून शहद या जैगरी ऐड करें। अच्छे से मिक्स करें और आपकी ड्रिंक रेडी है। इस ड्रिंक को सुबह सुबह खाली पेट कम से कम 10 से 15 दिन तक पिएं। इन सभी लाइफस्टाइल चेंजेस को आज ही से अपनाएं और अपना बैड कोलेस्ट्रॉल कम कर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्लीप वेल, ब्रीथ डीप, एक्सरसाइज, कीप स्माइलिंग एंड स्टे स्वस्थ।